दादी माँ की बहुत ही आसान 27 बेस्ट किचन टिप्स बहुत ही कमाल के हैं, जरूर सुने। नंबर एक, सर्दियों में रोज एक सेब खाने से शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। नंबर दो, खांसी से तुरंत राहत पाने के लिए आंवला को भूनकर खाएं। नंबर तीन, एसिडिटी से राहत पाने के आसान घरेलू उपाय। तो आपको करना क्या है कि एसिडिटी होने पर ठंडे दूध में एक मिश्री मिलाकर पीने से राहत मिलती है, और एसिडिटी की समस्या होने पर रोज एक केला खाने पर आराम मिलता है। नंबर चार, करेला को दुनिया में सबसे ज्यादा नापसंद किया जाता है। नंबर पाँच, मूंगफली खाने वालों को दिल की बीमारी का खतरा सबसे कम होता है। नंबर छः, जिन बच्चों की लंबाई कम है या शरीर कमजोर होता है तो उन्हें रोजाना पपीता खिलाना चाहिए। नंबर सात, दांतों को चमकाने के लिए शहद और नमक मिक्स करके दांत साफ कीजिए, दांत चमक उठेंगे। नंबर आठ, यदि आपको सिर दर्द हो रहा है तो आप नींबू के पत्तों का रस निकालकर सूंघें, इससे आपको जल्दी ही आराम मिल जाएगा। नंबर नौ, नींबू पानी शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालकर लीवर को साफ करने का काम करता है। नंबर दस, चाय पीने से हमारा ब्लड प्रेशर तुरंत हाई हो जाता है। नंबर 11, बार बार आपके ओठ ठंड में फट जाते हैं तो इन टिप्स को अपनाएं, तो आपको रोजाना भरपूर मात्रा में पानी पीना है और आपको बार बार अपनी जीभ को ओठों पर ना फेरें। विटामिन सी और विटामिन बी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। रात को सोने से पहले नारियल का तेल, शहद, ग्लिसरीन, लिप बाम, मलाई, घी, एलोवेरा जेल, इनमें से कोई एक लगाकर सोएं। इससे ओठों को मॉइस्चराइजर मिलेगा और ओठ फटने की समस्या भी दूर होगी, और नहाने के बाद ओठों पर लिप बाम अवश्य लगाएं। चीनी और नारियल के तेल से ओठों को एक्सफोलिएट करें, इससे ओठों की मृत त्वचा हटती है और नई त्वचा आती है। नंबर 12, सुबह के समय दही खाने से शरीर में खून बनता है, क्योंकि दही में आयरन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स होते हैं। नंबर 13, यदि आपको गैस की परेशानी होती है तो काजू को पानी के साथ पीस कर चटनी बना लें, फिर उसमें चुटकी भर काला नमक मिला दें और इसे सुबह शाम खाएं। नंबर 14, अजवाइन खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नंबर 15, शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं, इसलिए इसे लगाने से त्वचा के घाव, दाग, धब्बे और पिंपल्स अपने आप ठीक होने लगते हैं। नंबर 16, हफ्ते में एक बार हल्दी का लेप चेहरे पर लगाने से मुहासे और पिगमेंटेशन दूर होता है। नंबर 17, यदि आप मटर पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं, इससे सब्जी का स्वाद और बढ़ जाएगा। नंबर 18, सलाद में पत्ता गोभी के पत्तों को चबाकर खाने से पेशाब खुलकर आता है। नंबर 19, जो औरतें रात को सोने से पहले 5 मिनट तक अपने पैरों की तलों पर सरसों के तेल की मालिश करती हैं तो उनको कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होगी, साथ ही उनकी आंखों की रोशनी भी तेज होती है और दिमाग को ताकत मिलती है, साथ ही रात को पैरों की मालिश करने से नींद भी अच्छी आती है। नंबर 20,
शरीर में मसल्स बढ़ाने के लिए केला खाना चाहिए, क्योंकि केले में प्रोटीन, पोटेशियम और फाइबर पाया जाता है। नंबर 21, नाशपाती का सेवन प्रेग्नेंट महिला के लिए अमृत के समान है, क्योंकि नाशपाती में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद हैं। नंबर 22, भुने हुए चुकंदर पर नमक लगाकर खाने से सांस फूलने की समस्या कम हो जाती है। नंबर 23, उड़द दाल खाने से स्पर्म काउंट बेहतर होता है, क्योंकि यह प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है। नंबर 24, रोटी खाते वक्त आपको कभी भी पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 25, चेहरे पर ये सफेद क्रीम लगाएं, रातों रात चमकती बेदाग त्वचा पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले 15 बादाम को रात को भिगोकर रखें, सुबह छिलका उतार कर गुलाब जल के साथ पीस कर कपड़े से छान लें, फिर इसमें 4 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 विटामिन ई कैप्सूल, 1 चम्मच बादाम तेल, सभी को मिक्स करें। जब गाढ़ी क्रीम बनकर तैयार हो जाए तब कांच के डिब्बे में रखें। रात को चेहरा साफ करें, फिर इस बादाम की क्रीम को चेहरे पर लगाकर मसाज करें, गर्दन आंखों के नीचे इसे जरूर लगाएं। रोज नाइट स्किन केयर करें, कुछ ही रातों में चमक उठेगा चेहरा, ये दाग धब्बों को हटाएगा और त्वचा को निखारेगा। नंबर 26, इडली में सोडियम की बहुत ही कम मात्रा होती है, इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए ये बहुत फायदेमंद होती है। नंबर 27, अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाए तो उसे पपीते के पत्ते का रस पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।